नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भाजपा पार्टी मुख्यालय पर कथित तौर पर उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में तिरंगा फहराया है, लेकिन उस समय तिरंगा उल्टा लटका हुआ था। इसके वीडियो भी फैल गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कलिता पर देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए तीन लोगों ने मंगलवार शाम को नगांव सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को कलिता ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जो झंडा फहराने के प्रभारी थे, वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि इसे उल्टा स्थापित किया गया था, इसलिए बिना हमारी जानकारी के ये उल्टा हुआ। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेर लिया है। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर देश भर में बाइक रैली और जुलूस का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। ऐसी ही एक रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक उल्टा तिरंगा लहराते दिख रहे हैं। पाठक जीप पर खड़े हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं, उनके साथ काफ़ी लोग हैं। रैली किस शहर में निकाली जा रही है, ये स्पष्ट नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को मुद्दा बना लिया है और ट्वीट कर डिप्टी CM पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की बाइक रैली का वीडियो शेयर करते हुए थीका हमला किया गया। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि देश का अपमान करने में नंबर वन है भाजपा ही, इनकी देशभक्ति केवल दिखावे की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है या जो दंगा फसाद करता है, ऐसे किसी भी शख्स को नहीं बख्शेंगे। बता दें, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव से पहले कहा था कि दंगा फसाद करने वाले किसी भी संगठन को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसमें PFI हो या बजरंग दल। इसे लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में काफी हंगामा मचा था और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी थी। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की बैठक में जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता राहुल गांधी ने सातों सीटों की तैयारी की बात कही, इस बीच आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को लेकर ही सवाल खड़ा किया। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में भाग लेने पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है, अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं बनाना चाहती है तो इंडिया गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये समय की बर्बादी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इंडिया अलायंस की अगली बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस को सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को लेकर दिए गए अलका लांबा के बयान पर AICC दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि अलका लांबा एक प्रवक्ता हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने कहा, आज बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया BJP को मदद करने के लिए ये कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से मिलकर काम करने, लोगों के बीच जाने और पार्टी लाइन के मुताबिक बयान देने की नसीहत दी। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि 3 घंटे तक चली बैठक में राहुल गांधी, खड़गे जी, KC वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया जी मौजूद थे। हमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। ये निर्णय लिया गया है कि हम चुनाव के लिए सभी 7 सीटों पर तैयारी करें और आज से लग जाएं। ये कहा गया है कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, बस ये कहा गया है कि 7 सीटों पर तैयारी करें। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा, हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और इंडिया गठबंधन दल की एक साथ बैठक में इस पर हम चर्चा करेंगे। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी को होगा। वायु प्रदूषण से परेशान शहरी आबादी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार देश के 169 शहरों में 10,000 ई-बस चलवाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको लेकर बनी योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि PM ई-बस
सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी बचे रुपए राज्य सरकार देगी। योजना के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें देश भर में उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये बसें PPP मॉडल पर संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी। ये योजना अगले 10 सालों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। अजीत पवार और शरद पवार का बार बार मिलने ने महाराष्ट्र और विपक्ष गठबंधन में हलचल मचा दी है। इस बीच TOI की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि डिप्टी CM अजीत पवार ने अपने चाचा और NCP संरक्षक शरद पवार के साथ अपनी गुप्त बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा को समर्थन देने के लिए उन्हें 2 विशेष पेशकश दिए हैं। पूर्व CM के अनुसार अजीत ने शरद पवार से कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जगह दी जाएगी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और राज्य NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल को केंद्र और राज्य सरकार में जगह दी जाएगी। नाम ना छपने की शर्त पर कांग्रेस के पूर्व CM ने दावा किया कि शरद पवार ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी तरह से BJP के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें शनिवार को पुणे में एक डेवलपर के आवास पर अपने चाचा शरद पवार के साथ अजीत पवार की गुप्त बैठक ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और UBT शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस गुप्त बैठक पर नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी ओर अजीत पवार और शरद पवार दोनों ने कहा कि अपने परिजनों से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। शरद पवार ने नरम लहजे में कहा कि अजीत पवार मेरे भतीजे हैं, चाचा भतीजे की मुलाकात पर इतना हंगामा क्यों है। अजीत पवार के साथ बैठक में शरद पवार को ऑफर दिए जाने पर अब शरद पवार की खुद ही प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार से मीटिंग के दौरान किसी भी ऑफर पर बात नहीं हुई। अजीत पवार ने कोई ऐसी बात बैठक के दौरान नहीं कही। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री एक बार पूर्वोत्तर का दौरा करें और वहाँ के लोगों के बीच विश्वास पैदा करें, लेकिन ये प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगा। शरद पवार ने कहा कि देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हाथ में है। उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने BJP के द्वारा सरकारों को गिराने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों को गिराया, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराने के बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। BJP द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश किए जाने की खबरों पर NCP नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि किसी ने भी मुझे कोई ऑफर नहीं दिया है और ना ही मुझसे कोई बातचीत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जाने पर सुले ने संवाददाताओं से कहा कि आपको महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से ही पूछना चाहिए कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में उनके नेताओं के संपर्क में नहीं हूं। बता दें अजीत पवार के साथ बार बार शरद पवार की मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बैठक भी की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे 2024 के लिए Plan B पर काम कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि सबको इस बात पर संशय है कि कहीं शरद पवार डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है। वित्तीय गबन मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद पूर्व मंत्री और NCP के नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं। नवाब मलिक 17 महीने तक जेल में रहे। इस दौरान NCP पार्टी में फूट पड़ गई है। उनके जेल जाने से पहले NCP एकजुट थी, अब इस पार्टी में 2 गुट हो गए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि नवाब मलिक किसके साथ जाएंगे। इस बीच NCP के दोनों गुटों के कई नेता सोमवार से नवाब मलिक से मिल रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने 15 अगस्त को नवाब मलिक से मुलाकात की। शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने भी नवाब मलिक से मुलाकात की। NCP युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सूरज चौहान ने भी अजीत पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चौहान ने कहा कि नवाब मलिक अजीत पवार के पीछे खड़े हो सकते हैं।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंगलवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के परिसर में प्रमुख कथावाचक मोरारी बापू की रामकथा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय श्री राम का नारा लगाया। ऋषि सुनक ने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री की तरह नहीं हिंदू की तरह आया हूँ। मेरे लिए आस्था बेहद निजी है, जिंदगी के हर पहलू में ये मुझे दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री होना सम्मान की बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। कड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किल हालात का सामना करना होता है। ऐसे में हमारी आस्था हमें साहस और ताकत देती है ताकि देश के लिए अच्छे फैसले लिए जा सकें। ऋषि सुनक कहते हैं, मेरे लिए बेहद खास और कमाल का पल रहता है जब चांसलर रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दिया जलाया था। जैसे बापू के पीछे हनुमान हैं, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मेरी मेज पर भी गणेश जी हैं। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। म्यूजियम के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। ये नया नाम सोमवार से लागू है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने के फैसले की आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के पास भय, जटिलताओं और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेहरू की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने एन को हटाकर उसकी जगह पी डाल दिया है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में नेहरू के योगदान को वो नहीं ले सकते। नेहरू ने जिस लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक सोच वाला देश को बनाया था, पीएम मोदी और उनके बारे में ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा है, लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर ने जवाब दिया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए रविशंकर ने कहा, कांग्रेस, जयराम रमेश की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की सोच में एक बुनियादी फर्क है। कांग्रेस सोचती है कि जो हैं नेहरू जी हैं और परिवार है। मोदी पीएम बने तो उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को नेहरू स्मृति भवन में स्थान दिया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री को स्थान क्यों नहीं मिला? ना इंदिरा गांधी थी, ना राजीव गांधी और ना ही मोरारजी देसाई, ना चरण सिंह, ना अटल बिहारी वाजपेयी थे। रविशंकर बोले, मोदी जी ने कहा कि जो भी भारत का पीएम है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक अपनी स्वयं की मोदी जी ने नहीं लगाई है, ये है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेकर चलना और सबको सम्मान देना। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। लाइव लॉग के मुताबिक जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और SBN भट्टी की बेंच ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। एक सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, कुल 70 से 80 घर बचे हैं, पूरा इलाका बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह बुलडोजर अभियान उस दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं। दरअसल ये मामला कृष्ण जन्मभूमि के आसपास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में काफी पूछताछ के बाद नूह पुलिस ने मंगलवार को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बिट्टू बजरंगी वही शख्स है जिनके नूह में आयोजित जलाभिषेक यात्रा से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की खबर के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की टिप्पणी आई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक हैंडल से लिखा है, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं है। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 66 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर मकान ढहने से घायलों को बचाने और मलबे से शव निकालने के लिए अभियान जारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ज़्यादातर मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई, जहां 13 अगस्त को भारी बारिश शुरू होने के बाद से 60 लोगों की मौत हो गई है।
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में हिमाचल प्रदेश में और अगले चार दिनों में उत्तराखंड में छिटपुट लेकिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बचाव कर्मियों ने भूस्खलन के कारण मलबे से 3 शव बरामद किए। शिमला में ढहे शिव मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया, जबकि शहर में ताजा भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में भूस्खलन के बाद 6 अस्थायी सहित कम से कम 8 घर ढह गए और एक बूचड़खाना मलबे में दब गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए, जिनमें से 12 समर हिल में शिव मंदिर स्थल से, 5 फागली में और 2 कृष्णानगर में मिले। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक लोगों के अभी भी शिव मंदिर में फंसे होने की आशंका है, जो सोमवार को ढह गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।